मालवानी मलाड पश्चिम स्थित वीर अब्दुल हमीद मार्ग पर दिनांक 14 मार्च की शाम करीब 5:20 पर एक होंडा एकॉर्ड कार तेज रफ्तार से गुजरती हुई नजर आई। अब आप सोच रहे होंगे, वाहन चलाने वाले कई लोग वाहन तेज रफ्तार से ही चलते हैं तो इसमें क्या नया नजर आया? आपको बता दें कि जिस कार की हम बात कर रहे हैं उस तेज रफ्तार चलती हुई कार के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, मगर एक नौजवान लड़का कार के बोनट पर लटकते हुए स्टंटबाजी कर रहा था। मालवानी गेट नंबर 6 रमजान अली स्कूल के सामने सड़क से गुजरती हुई तेज रफ्तार कार के बोनट पर लटके हुए लड़के का इत्तेफाक से एक पत्रकार ने वीडियो बना लिए। चलती हुई कार पर लटकते हुए लड़के का वीडियो वायरल होते ही मालवानी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और घटना के महज कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने स्टंटबाजों पर कानूनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कार को भी जब्त कर लिया है। मामले से जुड़े जांच अधिकारी संदीप वत्रे ने बताया कि स्टंट करने वालों के खिलाफ केस नंबर 321/23 के अंतर्गत धारा 336, 279, 34 आई पी सी के साथ धारा 184 वाहन एक्ट भी दर्ज किए गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि स्टंटबाजी करने से अपने बच्चों को रोके, वरना स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, जिसके कारण आपके परिवार को भी मुश्किल हो सकती है। सर, कल मालवनी पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में कार का जो स्टंटबाजी हो रही थी उसमें क्या कार्रवाई की? कल 14 तारीख को शाम को 5:30 हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि अब्दुल हमीद रोड से कोई बंदा कार लेके बोनेट पे एक लड़का बैठ के जा रहा है। तो हम तुरंत गश्ती में थे तो हम तुरंत उधर गए, लेकिन उधर वो रुका नहीं था, उधर से जोर से गाड़ी चला के लेके गया था वो, उसके आगे के बोनेट पे एक लड़का बैठा था। तो बाद में वो गाड़ी हमने ट्रैप लगा के पकड़ा गाड़ी एक जगह पे, तो उसमें हमको एक गाड़ी चलाने वाला और वो गाड़ी का मालिक भी था, वो उसका आदित्य ठाकुर नाम था, वो मिला। तो उसने बताया कि बोनेट के सामने जो बैठा था वो लड़का का नाम बताया, उसके जरिए हमने वो लड़के को भी उठाया, केस भी दाखिल किया था पहले। तो लड़के को बाद में उठाने के बाद पता चला कि वो नाबालिग है। तो वो जो मामला है तो किसी की जान जा सकती है या खुद की जान जा सकती है, वो गंभीर मामला है। तो हमने एफआईआर दाखिल किया है और उसको आदित्य ठाकुर को अरेस्ट किया और नाबालिग लड़के को उसको पिताजी के ताबे में दिया है आगे के कार्य।